परिचय पीटर मुझे बहुत प्यास लग रही है क्या तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकते हो बिल्कुल ये लो पानी हम्म धन्यवाद पानी पीने के बाद मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं हे क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर का प्रमुख हिस्सा पानी से भरा होता है क्या सचमुच हाँ, मेरी बहन ने कल मुझे इसके बारे में बताया इसलिए आओ उसके पास चलें और पानी के बारे में और जानकारी लें। आओ सीखें पानी और इसके प्रयोग के बारे में जानना पानी के विभिन्न प्रकार जानना जल चक्र और हमारे घरों में आने वाले पानी का वर्णन करना जल संग्रहण और इसकी बर्बादी के बारे में समझना जल प्रदूषण के कारण पहचानना पानी नमस्ते दीदी नमस्ते जॉन तुम कैसे हो मैं बढ़िया हूं धन्यवाद पीटर ने बताया कि तुमने उसे पानी के बारे में कई मज़ेदार बातें बताई थी मैं भी उन्हें जानना चाहता हूँ ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ दरअसल पानी धरती पर सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है धरती का सत्तरी प्रतिशत हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसकी वजह से अंतरिक्ष से हमारा ग्रह नीला दिखाई देता है पानी के प्रकार अब मैं तुम्हें पानी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊंगी पानी तीन रूपों में मिलता है तरल ठोस और वाष्प पानी के स्रोत दीदी हम पानी कहाँ से पा सकते हैं ओह तुम पानी के स्रोत के बारे में पूछ रहे हो असल में पानी के स्रोत असीमित हैं, जैसे कुआं तालाब झील नदी सागर और महासागर इनके अलावा भूजल भी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पानी के प्रयोजन जॉन क्या तुम पानी के उपयोग का उद्देश्य जानते हो नहीं दीदी कृपया हमें बताओ पानी मनुष्यों वनस्पतियों और जानवरों के लिए आवश्यक है हम इसे पीते हैं हम इससे नहाते हैं हम इससे अपना खाना बनाते हैं हम इससे अपने कपड़े धोते और साफ करते हैं अतः ये हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है जल चक्र दीदी कल तुमने मुझे जल चक्र के बारे में भी बताया था कृपया इसके बारे में और बताओ ठीक है जल चक्र वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धरती का पानी आसमान में जाता है और फिर धरती पर वापस आता है इस प्रक्रिया में जल स्रोतों जैसे कुआं तालाब झील नदी सागर और महासागर का पानी सूर्य की धूप में गरस होकर वाष्प बन जाता है ये जलवाष्प हवा के साथ ऊपर चली जाती है फिर ठंडी होती है और बादल में बदल जाती है और अंत तो ये वर्षा में बदल जाती है बरसात के बाद ज़मीन का पानी तालाब और नदी में वापस बहकर चला जाता है जो फिर समुद्र या महासागर में जाता है और चक्र पूरा होता है ये चक्र बार बार दोहराया जाता है हमारे घरों में पानी की व्यवस्था बंधुओं अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे घरों और अन्य स्थानों तक पानी कैसे पहुँचता है तुम लोग जानते हो कि हम नल के द्वारा पानी प्राप्त करते हैं ये पानी तालाब या नदी से लिया जाता है फिर इसे जल संयंत्र में शुद्ध करके नलों के जाल द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है पानी की बर्बादी हमें अपने दैनिक कार्यों में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए हम मंजन करते समय या बर्तन धोते समय बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं कई बार नलों की छोटे लीक इत्यादि से बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है प्रदूषित जल देखो जॉन यह पानी बहुत गंदा है अरे हाँ लेकिन पानी इतना गंदा कैसे होता है भाइयों क्या तुम जानते हो कि जलशयों में कूड़ा फेंकने और उनमें नाला बहाने से पानी गंदा और प्रदूषित होता है हम इस पानी का पीने या किसी दूसरे घरेलू काम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते जल संग्रहण दीदी हमारी टीचर ने बताया कि हम बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए हम एक बड़ी टंकी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम अपने घर के पिछवाड़े में एक बड़ा गड्ढा खोदकर इनमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं हमने क्या चर्चा की पानी धरती पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है पानी तीनों रूपों में पाया जाता है तरल ठोस और वाष्प। हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में पानी का प्रयोग करते हैं जल चक्र पानी को धरती से आकाश और फिर वापस धरती पर लाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए जलाशयों में कूड़ा फेंकने से वो गंदे और प्रदूषित हो जाते हैं